अगर आप लोग भी शिमला आते हैं बंदर से सावधान, जो लोग बोलते हैं ना आरन बहुत अच्छा है, देख लो ऐसा आरन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से आपका स्वागत है शिमला डे 3 के साथ। तो आज का मौसम देखो, बिल्कुल फॉग है, कहीं पे कुछ भी नहीं दिख रहा। जहाँ पे आपको सारा शिमला दिखता था, आज सिर्फ फॉग ही फॉग दिख रही है। तो आज का मैंने ड्रेसअप भी कुछ इस तरीके का रखा है, ड्रेस डाली और उसके ऊपर से ओवरकोट डाला है। बट तब तक मुझे नहीं पता था कि मौसम ऐसा है, और जब मैंने बाहर आकर देखा तो मुझे लगा कि सही है, मैंने ये पहन लिया। और अभी अभी मौसम साफ होने लगा है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा। ये देखिए आप, जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ धुंध दिखेगी, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे हल्का हल्का मौसम साफ होने लगा, तो ये थोड़ा सा दिखने लगा। आगे आप देखेंगे तो सारा धुंध है। और हमें जहाँ आज जाना है वो है, वो थोड़ा सा इस साइड है, जो मैंने फर्स्ट डे में आपको दिखाया था ना, बजरंगबली जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, तो हमें वहाँ तक जाना है। मैं बेसिकली आई थी बाहर कोम करने के लिए, कि चलो बाहर बाल निकलेंगे तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ के देखा तो मौसम ही ऐसा है। एक सलाह देना चाहूँगी, जब भी आप कहीं जाएं तो अपनी जो एक्सेसरीज है वो पहले रख लें, क्योंकि ना आधे टाइम ना मेन चीज़ तो हम ले लेते हैं, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ होती है ना वो रह जाती है। जैसा कि मेरा स्ट्रेटनर रह गया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है उसके लिए, उसकी वजह से, क्योंकि मेरे बाल इतने वो नहीं है ना, स्ट्रेटनर होता तो सही रहता। इधर आओ बाबू, मैं तो कंघा भी नहीं लेके आती, ये भी मैंने आरएन से मंगवाया है। तो अभी हम चेकआउट कर रहे हैं, अपना सामान ले जाकर रिसेप्शन पर रख देंगे, और इसके बाद हम घूमेंगे आज का दिन, और उसके बाद देखते हैं। तो ये है वो होटल जहाँ पे हम रुके थे, होटल डोगर। यहाँ पे कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, जैसे चेक इन टाइम क्या है, चेकआउट टाइम क्या है। काफी अच्छा होटल है, अगर किसी को आना होगा तो कौन सी लाइक जगह का बोल के आए। होटल डोगर तो पता है नाम, लेकिन अगर कोई इस जगह पर आना हो तो रोप वे। मालूर से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, आप चर्च तक आइए। हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू, काफी अच्छी सर्विस है आपके होटल की। ओके, तो अभी हमने अपने होटल से चेकआउट कर लिया है, सामान हमने वहीं रखवा दिया, लेकिन अभी क्योंकि अभी हमें आके दोबारा कपड़े वगैरह चेंज करने होंगे, क्योंकि जब हम बस वगैरह लेंगे तो हमें लोअर टी शर्ट डालना होगा। तो अभी तो निकल रहे हैं, और आज हमने डिसाइड किया है कि आज हम HRTC जो इनकी गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बसेस नहीं, कैब टाइप की चलती है, आज हम उससे ट्रैवल करने वाले हैं। तो बस यहाँ से दो मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है हमारे होटल से। और हाँ, मैं होटल के बारे में आपको बताने वाली थी, होटल का नाम है होटल डोगर, बहुत ही अच्छा होटल है, सर्विस बहुत अच्छी है और खाना बहुत अच्छा है। हमने ना लाइक पहली बार हुआ है कि हम किसी होटल में आके होटल का ही खाना खा रहे हैं, नहीं तो हम बाहर का खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट डिनर दोनों हमने यहीं से खाया, दो दिन हमने स्टे किया, दोनों दिन यहीं से खाया, तो काफी अच्छा है। अगर आप भी अगर शिमला का प्लान बनाते हैं तो इस होटल में आ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर मेंशन कर दूंगी, आने से पहले आप कॉल वगैरह कर सकते हैं, अपनी सारी डिटेल वगैरह ले सकते हैं, रेंट वेंट जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हैं। अलग अलग अमाउंट होता है, लेकिन इनका ऑफ सीजन कुछ और होता है, ऑन सीजन कुछ और होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। और मैंने ड्रेस चेंज कर ली थी, पहले सुबह मॉर्निंग में कुछ और दिखाया था, उसके बाद मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था, और मुझे ये वाला झूला झूलना है यार, चले आकर झूलोगे या भी झूलोगे। ड्रेस चेंज कर ली थी क्योंकि उसमें एक तो मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा था, सेकंड थिंग मुझे ये वाला ड्रेस पहनना ही पहनना था, तो इसलिए मैंने पहन लिया, बाकी कोट पहना है। और आज का वेदर लगता है भगवान चाहते थे मैं ये कोट पहन लूँ, लेकर आई थी तो आज का वेदर भी ऐसा हो गया फॉग वाला। आर्यन, आज तुम मेरी वीडियोस बना दोगे ना? बहुत अच्छी, आज मैं इससे वीडियोस बनाने वाली हूँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटोज वगैरह खिंचवाने वाली हूँ। चर्च रोड तक जाते हम लोग, है ना? एवरीवन, ये वो चर्च है, यहाँ पर शूटिंग हुई है, गदर मूवी की भी शूटिंग हुई है, यहाँ पे बहुत सारी मूवीज वगैरह शूटिंग हुई है यहाँ पे, इसको शूटिंग पॉइंट बोला जाता है, ये हिस्टोरिकल चर्च है। तो हम जा रहे हैं जहाँ पे 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग हुई है, काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना अब इतनी दूर आए तो जाके देख ही लें, तो जा रहे हैं। बाकी हमें जिस मंदिर पर जाना है वो देखो, ये रहा जापू मंदिर, अभी हम ऊपर आके देखो।
यहाँ पे शूट हुआ था, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उनको बिठा के रखा हुआ था इन बेंचेस पे, है ना रे? आगे में जाके देखो थोड़ा सा। बाकी यहाँ पे काफी चाट पकौड़ी, चाट चाट की शॉप्स हैं। लगता है छोटा सा पानी का वो बनाया हुआ है। तो अभी आर्यन ने मेरी बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भाई पूनम दा दो तीन दिन तो जेड़ा मेणा सेगा के मेणा मतलब हुंदा ताना ताना मारती थी पूनम ना के मैं भी नहीं समझी मेणा मतलब क्या वीडियो नहीं बनाई ना पूनम ने मैं वीडियो भी बनाती हूं बहुत सारी मैं पूनम दी हां ते हुन आपां चले हैं जाखू मंदिर ते उठे जाके फिर तानू मिलदे हैं कितना खुश हो तुसी मैं तो बहुत खुश हूँ मेरी बहुत अच्छी अच्छी फोटोज खींची हैं और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना दी तो अभी हम आ गए हैं बेकरी के अंदर बर्गर वगैरह खाने के लिए नाश्ता तो थोड़ा सा किया था हाँ आर्यन ऑर्डर करा यहाँ पे यहाँ का लुक नॉर्मल मैकडी से अलग है थोड़ा सा हाँ चलो गाड़ी मिल गई है तब हम जाकू टेंपल जा रहे हैं ऊपर और ये गवर्नमेंट की तरफ से और ये 20% लेती है पर हेड और ये आपको जाकू टेंपल के लाइक वहाँ छोड़ देगी जहाँ पे सीढ़ियाँ जहाँ से स्टार्ट होती हैं या फिर आप रॉप वगैरह जो है ना रॉप का वो भी ले सकते हैं लिफ्ट टाइप का है कुछ शायद तो अभी चलते हैं इससे अभी बोलते शायद 160-170 सीढ़ियाँ हैं 160-170 सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ के जाना पड़ेगा तो ये भर के जाती है HRTC तो हम पीछे बैठे हैं बाकी तो हमारी जो गाड़ी है वो चल पड़ी है और रास्ते में ये इतने लंबे लंबे पेड़ आ रहे थे आपको क्या इनका नाम पता है अगर पता है तो कमेंट कीजिए तो हमें अभी HRTC की इस वैन ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया है जहाँ से जाकू टेंपल की सीढ़ियाँ स्टेयर्स शुरू होंगी ये स्टेयर्स हैं यहाँ से चढ़ के हमें जाना ऊपर और ये काफ़ी अच्छा सा ऐसे बनाया हुआ है तो हर जगह पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर भी जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं वहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर फूल लगाए हुए हैं देखो कितने सुंदर सुंदर फूल हैं तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी सीढ़ियाँ चलनी शुरू हो गई हैं हमारी और आप देख सकते हैं पीछे फ्लावर्स काफ़ी अच्छे अच्छे लगाए हुए हैं तुम करते हो ओवर एक्टिंग हम तो नहीं करते ओवर एक्टिंग हैं आप बताओ मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ ओ यार यहाँ पीछे देखो ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये बता यहाँ पे भी लगा दो मेरे एक फूल तो ये सीढ़ियाँ और ऐसा मतलब सीढ़ियाँ भी नहीं है ऐसी बनाया हुआ है रास्ता नॉर्मल चढ़ते जाना है ओहो जाखू टेंपल की एक हिस्ट्री है वो मैं आपको ऊपर जाने के बाद ही बताऊंगी मंदिर पर इतने में ही थक गए है ना जो पहाड़ी लोग होते हैं उन्हें आदत होती है चढ़ने की है ना हमें आदत नहीं है चढ़ने की पहुंच ही गए वैसे हम शायद चलो चलते हैं थोड़ी सी और सीढ़ियाँ और ये देखो मुश्किल से 3-4 मिनट का होगा रास्ता आर्यन इसके लिए टैक्सी वाले आपसे कितने कितने रुपए मांग रहे थे आर्यन वो हाँ 200-300 चार्ज करते हैं टैक्सी वाले जबकि ये रास्ता 2-3 मिनट का है सिर्फ हमें क्योंकि आदत नहीं है इसलिए सांसें चढ़ जाती है और हम मंदिर के पास पहुंच गए जाखू मंदिर तो फाइनली आप मेरे पीछे जाखू टेंपल देख सकते हैं तो यहाँ पे शूज वगैरह रखने का सामान है और बाकी आप यहाँ पे हाथ पांव धुल सकते हैं अभी हम अंदर चलते हैं और वहाँ पे वो हनुमान जी की मूर्ति है जो हम बाद में देखेंगे पहले हम अंदर दर्शन कर लेते हैं चले आर्यन तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता रही थी तो कहा जाता है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटियां लेने गए थे
तब उन्होंने रास्ते में इस हिमालय पर्वत पर आकर इस पर्वत पर आकर आराम किया था, विश्राम किया था। तभी इस जगह पर इन्होंने ये जाखू मंदिर बनाया। और ये भी कहा जाता है कि इस इतनी ऊंचाई पर आकर आप पूरे हिमाचल को, पूरे शिमला को देख सकते हैं इस ऊंचाई पर आकर। और यहाँ पर जो मंदिर में मूर्ति है वो भी 108 फीट ऊंची मूर्ति है हनुमान जी की। मंदिर के हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम यहाँ से राउंड लगा के जाते हैं। ये पूरा राउंड लगा लेते हैं ना एक बार, उस साइड से जाना चाहिए था हमें। ये शॉप्स वगैरह हैं, अगर प्रसाद लेना हो या फिर आपको कुछ यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी हैं वो भी आप ले सकते हैं। हनुमान जी की मूर्ति तक चलते हैं अब। यहाँ पे बंदर बहुत है, बंदर से सावधान। अरे हनुमान जी का गधा देखो। हनुमान जी के पैर देखो। पूंछ देखो इनकी। हाँ 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 ये हनुमान जी पूंछ देखो, बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है उन्होंने, बहुत बढ़िया। 108 फीट ऊंचा। हाँ 108 फीट ऊंची। मेरे पास मेरे हाथों में ये लग गया। कोई बात नहीं। तो हमने मंदिर के और हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन कर लिए हैं और अब हम वापस जा रहे हैं नीचे और देखते हैं अगर एक दो जगह हम घूम पाए, अदरवाइज हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये सारा था हमारा शिमला का पूरा टूर। बट अगर मैं बोलूँ तो शायद मेरा इससे अच्छा ट्रिप मेरा रहा डलहौजी का। बाकी चलो हर एक जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए। शिमला हम लोग नहीं आए थे तो शिमला भी हमने देख लिया, शिमला भी एक्सप्लोर कर लिया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो दर्शन वर्शन करके अब हम वापस निकल रहे हैं और इस बार हमने दूसरा रास्ता लिया है वापस जाने के लिए। तो हमने दूसरी तरफ से एग्जिट किया तो यहाँ पे थोड़ा सा ये गेमिंग वगैरह के लिए, ये अगर झूलना चाहें तो झूल सकते हैं, बाकी साइकिल है और गोल गोल तो कुछ एडवेंचर्स थिंग्स हैं। बाकी ये भी है। ए यार ये मैं कर लेती अगर मैंने स्कर्ट नहीं पहना होता तो। जाओ चलो आज चले जाओ, तुम जाके दे। अब आर्यन इस पे जा रहा है ये साइकिल पे, ये बोल रहे हैं कि पूरा राउंड राउंड घूमेंगे यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक। तो आर्यन अभी चला गया है साइकिल पे, साइकिल वाला झूला है ये, ऐसे करके राउंड वाला पूरा झूलेगा। कितने चक्कर लगेंगे भैया इसके ऊपर? लगाए नहीं पाता बंदा ज्यादा। अच्छा तुम चलाओगे इसको खुद से? ओहो मिनट में मौसम यहाँ पे गर्मी वाला हो जाता। अभी अभी देख रहे इतनी तेज धूप हो गई थी, मैंने निकाल दिया तो अब ठंड लगने लगी। दुनिया मेरी दुनिया दुनिया मेरी। आर्यन कैसा रहा? अच्छा था। थक गए? तो आर्यन का जैसे ये राइड खत्म हुआ झूले वाला वैसे ही ये गाड़ी भी आ गई HRTC वाली, तो हम जल्दी से अब इसमें बैठ के जा रहे हैं वापस। तो अभी हम अपने होटल से चेकआउट करके, मतलब चेकआउट तो हमने सुबह ही कर लिया था लेकिन सामान वहीं पे रख दिया था, तो अभी हमने अपना सामान भी ले लिया और मैंने फिर से एक बार कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि मुझे कपड़ों का बड़ा शौक़ है। तो हम लोग निकल गए और मैं ये बोल रही थी कि अगर आप लोग भी शिमला आते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, नहीं तो फिर वही होता है जब एक्सपेक्टेशन ख़राब होती है ना, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, बस ये है कि आपको यहाँ का लाइक जो नेचर है वो पसंद आएगा क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो फिर दिल्ली का तो ऐसा ही है। यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है बट वही है ना, ज़्यादा घूमने वाली जगह बाहर है समझ के, लोग ऐसे देखते हैं व्लॉगिंग करते थे जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं। आरन मुझे आप झूला झूला, मैंने जींस पहन ली चले मेरे लिए।
गाना गाया था वो गाना गाना एक बार, सबसे पहले जब गाया था वो गाना मुझे सबसे अच्छा लगता है। सबसे पहले जब हम पटियाला में थे। हाँ। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, वखरना प्यार दा की चन्ना दस तूरे, वखरना प्यार दा की चन्ना दस तूरे, तेरे उतो जिंदगी भी वार नी मंजूरे, जे तू अखियां दे सामने नी रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। और ये तब हुआ था जब तुम जा रहे थे, मैं नहीं जा रही थी। अच्छा गाता ना यही वाला दिन तुम्हारे, मुझे सबसे सकता तुम्हारे मुंह से गाना। मैं झूला झूलूंगी नीचे करो। वक्त रहना प्यार। तो यहाँ पे है देसी अर्बन चाय, अर्न लेने गए अपने लिए, उसे बहुत शौक है चाय का, करके निकल जाते हैं बैग पैक लेके और पूरा इंडिया और पूरा वर्ल्ड घूमने के लिए। और मेरा भी ऐसी एक वो है कि मैं भी ऐसे ही बैग पैक लेके निकल जाऊं कहीं। ये देखो हस्बैंड वाइफ में शायद, और दोनों के दोनों घूम रहे हैं। परसों जब हम रात को ये मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे तब इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, रात का टाइम था इसलिए, और इतने ज़्यादा रश भी नहीं था, लेकिन दोपहर में दिन के टाइम में यहाँ पे काफ़ी रश है और काफ़ी भीड़ भाड़ दिख रही है यहाँ पे। अरे नागे चला गया मेरे से। तो यहाँ से लिफ्ट से हम जाएंगे नीचे, तो यहाँ पे लिफ्ट है लिफ्ट का, और ये पेड लिफ्ट है, आपको यहाँ पे करना होगा। कितने की टिकट है? 20 रुपये। और उसके बाद हमने वहाँ नीचे उतर कर बस ले ली, और बस से हम सीधे पहुँच गए न्यू ISBT बस स्टैंड शिमला। शिमला से जा रहे हैं वापस, और ये सब छोड़कर जल्दी जाएंगे फिर से हिमाचल या उत्तराखंड किसी अच्छी जगह पर। जब हमारा शिमला का पूरा ट्रिप ख़त्म हो गया तब इसको ये चॉकलेट याद आई है। तुमने मुझे ये चॉकलेट दिया ना, मैं तुम्हें कैसे दूँ? टॉम एंड जेरी वाला खिलना, टॉम जेरी, ठीक है? लड़ाई करते रहते ना तुम मेरे साथ, तुम करते हो मेरे साथ लड़ाई, ठीक है? अपनी बाइक के उसमें लगा लेना, कैसा है? टॉम एंड जेरी जा। हम शिमला के न्यू बस स्टैंड पे आ गए हैं, यहाँ से हमें बस मिलेगी चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ से हम लेंगे अपनी ट्रेन, और वहाँ से जाएंगे दिल्ली, दिल्ली से जाएंगे घर, और घर से घर पर जाके मैं पहले तो सारी अनपैकिंग वगैरह करके कपड़े वपड़े धोऊंगी, उसके बाद सोऊंगी बहुत सारा, उसके बाद दोबारा से वही ज़िंदगी शुरू। सुबह उठो, जॉब पे जाओ, रात को आओ, ट्रैफिक देखो दिल्ली का, है ना, वही धूल प्रदूषण। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। तो अभी हम बैठे हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, और मेरी ट्रेन आ चुकी है वहाँ पे, उस साइड खड़ी हुई है। हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बैठे हैं, और जो मेरी ट्रेन है वो आई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो आर्यन मुझे यहीं से अलविदा बोलूँगा। जब ना पहले जब मैं और पूनम रिलेशनशिप में आए थे, अगर पूनम मतलब पूनम को ऐसे है ना छोड़ना, मान लो दोपहर को चाहे कुछ भी, मैं कभी भी ना मतलब अकेले नहीं भेजता था पूनम को। मैं हमेशा साथ दिल्ली तक छोड़ के आता था कि चल वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आ जाता हूँ। मतलब अभी 2-3 बार हो चुका है मेरे साथ। मैं पहले लास्ट टाइम भी जलंधर आए थे पूनम, उस टाइम काम था थोड़ा, तो उस टाइम मैंने पूनम को जलंधर से रेलवे स्टेशन वहाँ पे ट्रेन में बिठा दिया था। मतलब आज अभी मैं मैक्सिमम टाइम पूनम को यहाँ से भेज देता हूँ, अकेले पूनम चलेगा, क्योंकि मुझे पता है अब क्या, मैं पहले भी इतनी वो थी, ठीक है, तुम समझते थे, अब नहीं, मेरे को पहले डर सा लगता था। अब ये चीज़ होती है कि यार हाँ, इसी को मैंने शेर बोलता हूँ, लॉकर दिखा दो सभी, ये देखो शेर लिखवाया हुआ है इसने, इसको शेर बोलता हूँ। तो गाइस मेरी ट्रेन आ चुकी है और टाइम भी हो गया चलने का, और मैं निकल गई हूँ, सामान रख दिया, थोड़ी देर बाद बाहर आके बैठ गई थी, और बस 2 मिनट रह गए मेरी ट्रेन को जाने में, आवाज़ हॉर्न दे दिया उसने, तो बस अब मैं आर्यन को बाय बोल के जा रही हूँ, ठीक है आर्यन भाई, बाय। देख रहे हो
जो लोग बोलते ना आरन बहुत अच्छा है, देख लो ऐसा आरन। बुरा लग रहा तुम्हें मैं जा रही हूँ? बिल्कुल नहीं, मेरे को क्यों बुरा लग रहा? रो तो नहीं दोगे ना हमेशा हमेशा की तरह? कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो। ये रोने लगता है जब मैं जाती हूँ तो।